था पूनिया जी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन भरा है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कृष्णा पूनिया जी को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, सबने मिलकर अपना उम्मीदवार बनाया है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण ये राजस्थान का केंद्र है और यहां से एक मजबूत नौजवान खिलाड़ी को, हमारी बहन कृष्णा जी को पार्टी ने मौका दिया है, आप सबके भरोसे पर दिया है। जयपुर ग्रामीण सहित राजस्थान, पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव इस देश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव हैं। इन चुनावों के अंदर जो बदलाव तीन राज्यों में हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वही बदलाव पूरे देश में हमको दिखाई दे रहा है। हर जगह लोग आज सवाल उठा रहे हैं, केंद्र की सरकार ने 5 साल तक लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा करने की बजाय पूरे देश में लोगों के जज्बातों को हवा देकर वोट लेने की पुनः कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा के साथी कर रहे हैं। हम सभी लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राजस्थान के बाहर तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं कि बदलाव हो। 23 मई को जब परिणाम आएंगे, इस देश में एक नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री 23 मई को बनकर जाएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां हम लोग गए हैं वहां बहुत बेहतर रिस्पांस है। सभी नौजवान किसान चाहते हैं कि कांग्रेस ने, पार्टी ने जो सरकार बनने के बाद काम किए 3 महीनों में, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनानी है। कृष्णा जी हमारी विधायक चुनकर गई थी चूरू जिले से, लेकिन सबसे सलाह करने के बाद जितने भी नेता मंच पर विराजमान हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ वर्कर्स और सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कृष्णा जी को जयपुर ग्रामीण से चुनाव जिताकर यहां से सांसद बनाना है, ताकि वो दिल्ली में जाकर हमारी आपकी पैरवी कर सके। जिन मुद्दों को राहुल गांधी जी आगे लेकर आते हैं, जो मुद्दे हमने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं, वो आम व्यक्ति के रोज के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने कहा कि देश में जो सबसे गरीब परिवार है, 20% सबसे गरीब परिवार के लोगों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारे विरोधियों को, हमारी सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर किसानों की ऋण माफी से लेके बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, फसल की खरीद, तमाम वो घोषणाएं हमने करी है 3 महीने में, जो वसुंधरा जी की सरकार ने 5 साल में नहीं करी। हमें विश्वास है, हमें आप लोगों पर भरोसा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बहन को आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और ये चुनाव जाति बिरादरी से ऊपर उठकर चुनाव है, ये चुनाव एक समाज, एक धर्म, एक जाति, एक बिरादरी, एक समुदाय के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है। 20-22-25 लाख लोग एक लोकसभा क्षेत्र में अपना नुमाइंदा चुनते हैं। ये चुनाव इस देश में हमारी संस्थानों को खत्म करने का काम जो दिल्ली की सरकार कर रही है, उसके विरोध का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों को आगे भविष्य में नौकरी मिल सके, पहली बार हुआ साथियों, 48 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अगर थी तो आज है। नोटबंदी के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, उसका कोई जवाब मोदी साहब के पास नहीं है। आज बेरोजगारी बढ़ गई, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, आपस में जो घृणा का माहौल बना हुआ है, जो हिंसा में देखने को मिलती है, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने से बजाय भाजपा के नेताओं को चाहिए कि 5 साल में हमने फला फला काम किए हैं, इतना निवेश हुआ, इतना उद्योग लगा, इतनी महंगाई कम करी। गैस का सिलेंडर आज 1,000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 70-80 रुपए लीटर बिक रहा है। किसी भी क्षेत्र में ये सरकार कामयाब नहीं हुई, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने 3 दिन का बैन लगाया उनके ऊपर कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लोगों को बांटने का काम वो कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता साथियों लोगों को जो संविधान की शपथ लेकर पदों पर बैठे हैं। ये सरकारें आई है चली जाएंगी, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन ये देश, ये संस्थाएं, ये बहुत जरूरी है। 70 साल से मेहनत कर हम सभी लोगों ने
इस देश ने उन संस्थानों को इतना मजबूत किया है। हिंदुस्तान के गणतंत्र की, इस देश के प्रजातंत्र की दुहाई, इस देश का उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। वो किसी एक पार्टी की वजह से नहीं है, एक दल, एक नेता की वजह से नहीं, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, कोई वंचित नहीं है। लेकिन जो संस्थाएं देश को चला रही हैं, लगातार उनको खोखला करने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया है। दमन की राजनीति, दबाव की राजनीति, विरोधियों की आवाज को कुचलने की राजनीति जो हो रही है, उसके विरोध में पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कभी छापे पड़ रहे हैं, कभी रेड पड़ रही है, कभी नोटिस आ रहा है। भाजपा के किसी नेता पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, सारा दोष विरोध जो विपक्ष के दल है उनके ऊपर है। ये कहां का न्याय है? जान बूझ के लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये ऐसे लोग हैं जो कोई संकोच नहीं करते। मीडिया पे दबाव है, प्रशासन पे दबाव है, न्यायपालिका पे दबाव है। जिस खुले माहौल में चुनाव होने चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए, उस वातावरण को बदलने का काम ये सरकार कर रही है। तो बड़े बड़े मुद्दे देश और राष्ट्र के मुद्दे हैं। मुझे मौका मिला कुछ और राज्यों में प्रचार करने का, दक्षिण के राज्यों में गया हूं। भारतीय जनता पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुलेगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि राजस्थान, जहां पर हमें सरकार हम लोगों ने बनाई है, आपके आशीर्वाद से अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। इस सरकार को आशीर्वाद देने के लिए कृष्णा पूनिया जी को जिताना बहुत जरूरी है। और जयपुर ग्रामीण में जो लोग उम्मीदवार हैं, आप सबको जानते हो, धरातल से, जमीन से जुड़े हुए वो लोग जो आपके बीच में रहकर काम करेंगे, ऐसी एक व्यक्ति को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस क्षेत्र से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। इसलिए आपसे आज अनुरोध करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर आए हैं कि कृष्णा पूनिया जी को जिताकर दिल्ली भेजोगे तो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से जयपुर ग्रामीण के लोगों की आवाज को दिल्ली में उठाएंगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आज नामांकन भरा है, चुनाव प्रचार आपके जिम्मे है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सारी बातें भूलकर, अगर कहीं किसी का कोई मनमुटाव भी अगर है हमारी टीम में, सारी बातें भूलकर आज इस नौजवान बहन को हमें जिताकर दिल्ली भेजना है। ये आपकी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद पूरा मिलेगा और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण चुनाव जीतकर आपकी सेवा के लिए कृष्णा पूनिया जी हमेशा काम करती रहेंगी। मैं इस मौके पर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इतनी भारी तादाद में एकत्रित हुए। अब से लेके 6 तारीख तक हमको लगातार काम करना है और विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का एक तरीका है कि पोलिंग बूथ में जाकर इस हाथ के निशान व बटन दबाकर अपना आशीर्वाद और अपना वोट कृष्णा पूनिया को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पायलट साहब।